सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी पार्ट 2 कर्ण का आदान इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे। देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी का जन्म बा सही इसका 27 मई 1894 ईस्वी को हुआ था। दूसरा है कर्ण, यानी 2 का सा सही है। कर्ण महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार था। तीसरा है देवराज इंद्र, आ इसका सही है। देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण से दान मांगने आए थे। ठीक है, चौथे का बा सही है। देवराज इंद्र ने कर्ण से दान में क्या मांगा था? कवच और कुंडल। पांचवा देखिए, देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल ही दान में क्यों मांगे थे? इसका सा ऑप्शन सही है, अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाने के लिए। कर्ण, छठा देखिए, कर्ण को कहते हैं, इसका सा विकल्प सही है। तीसरा कर्ण को दानवीर कहते थे, इसका विकल्प जो है बा सही है। ठीक है बेटा, दानवीर। अगला देखिए, खा में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कर्ण, तुम अपने कवच और कुंडल उतार कर मुझे दे दो। ठीक, इसमें देखिए खा में जो विकल्प है रिक्त स्थान, पहले विकल्प भरना है कवच, दूसरे भरना है कुंडल। ठीक है बेटा, इसके बाद इसका दूसरा है मैं अपना ना, इसमें भरना है रथ तैयार करवाता हूँ। तीसरा है मैंने आपको पहले ही पहचान लिया है, उसमें पहचान भरना है। चौथा, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा भूल सकता हूँ, इसमें भूलना है प्रतिज्ञा। चौथे में पांचवा, इसी इच्छा से आप ब्राह्मण बन करके आए हैं, तो इसमें आप ब्राह्मण बन लीजिए। ठीक, तो ये आपका 5 हो गया खाली स्थान। इसके बाद देखिए बेटा, इसमें गा प्रश्न है, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक, इसमें दिए हैं कवच कुंडल मांगने से पहले इंद्र ने कर्ण से पानी मांगा, गलत। दूसरा, कर्ण साधु के वस्त्र धारण करके इंद्र के पास गया था, ब्राह्मण के वस्त्र धारण करके वही। ठीक है, ब्राह्मण के वस्त्र धारण करके गया, साधु कह सकते हो सही। कर्ण ने इंद्र को पहले ही पहचान लिया था, यस। चौथा, इंद्र ने अर्जुन की विजय के लिए कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे, ये भी सही है। पांचवा, कर्ण ने इंद्र से स्वर्ग मांगा था, ये गलत है ना। इसके बाद देखिए, इसमें जो है दूसरा देख लीजिए, इसमें ब्राह्मण के वस्त्र ब्राह्मण के रूप में गया था ना, तो ब्राह्मण साधु ठीक कर सकते था। इसके बाद देखिए, किसने कहा ना? तो इसको आप किताब से देख करके बेटा स्वयं करेंगे। इसका अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर लिखिए बेटा। प्रश्न संख्या अंगा का पहला, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को राजनांद गांव के एक छोटे से कस्बे में हुआ था।
एक छोटे से कस्बे खैरागढ़ में हुआ था ना? फिर से देख लो इसके हो। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को राजनांद गांव के एक छोटे से कस्बे खैरागढ़ में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में कर्ण के किस गुण का वर्णन किया गया है? उत्तर, इस पाठ में कर्ण के दानवीरता वाले गुण का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा बेटा आप स्वयं करेंगे। एक इसके बाद देखिए शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान में है प्रश्न संख्या 4। ठीक, इसमें आपको शुद्ध अशुद्ध दिए हैं, इनको शुद्ध करना है, शुद्ध करके लिखना है। जैसे स्टेशन को स्टेशन, इसका वाक्य बनाना है स्टेशन से गाड़ी छूट गई, है ना? इस प्रकार से कोई भी बना सकते हो, उसमें स्टेशन शब्द आना चाहिए बस। ठीक, स्वेटर स्वागतम, पदार्थ धर्म, परिवर्तन इंद्र, आकर्षण प्रसिद्ध, ये इनके शुद्ध शब्द होंगे। ठीक, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, मांगना देना। छा देखिए प्रश्न संख्या 6, इसमें है मांगना का विलोम देना। ठीक, दूसरा पैर का विलोम हाथ, सॉरी दूसरा है रात, ठीक है, रात का विलोम दिन। तीसरा है पैर का विलोम हाथ, चौथा है देव का विलोम दाना, पांचवा है चलना का विलोम रुकना। ठीक, रुकना। फिर इसके बाद छठा है, 6 नंबर विजय का विलोम है पराजय, 7वां है आज्ञा का अवज्ञा, 8वां है लड़ाई का शांत, आशीर्वाद 9वां का है शाप या श्राप, आशीर्वाद श्राप। इसके बाद 10वां है हार का जीव विलोम। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। आपको फेयर कॉपी में क्या करना है, इसके शब्दार्थ लिखेंगे कर्ण का दान पाठ के, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं यह आप फेयर कॉपी में करेंगे, बाकी बेटा सारा किताब में ही फिलअप करेंगे, भरेंगे। ठीक है, धन्यवाद।